चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। बिहार विधानसभा का समय जिस प्रकार नजदीक आने लगा है, उसी में नेताओं की भी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। उसी में दरौंदा से भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी के भाई रोहित कुमार उर्फ अनुराग ने आज चुनावी बिगुल फूका है। बताते चले कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में खुद जितेंद्र स्वामी दरौंदा से विधायक प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ ही मत से वो पराजित हो गए थे। लेकिन अब की बार जितेंद्र स्वामी के छोटे भाई रोहित कुमार उर्फ अनुराग ने चुनावी बिगुल आज फूका है। चुनावी बिगुल फूकने के दौरान उन्होंने हसनपुरा प्रखंड के कई गाँव में आज क्षेत्र दौरा अपने काफिलों के साथ किया, जहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और ढोल नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया। वहीं जितेंद्र स्वामी ने कहा कि अब की बार मेरे भाई रोहित कुमार उर्फ अनुराग ने दरौंदा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें आप लोगों की मदद चाहिए और आप लोग अपना वोट देकर अगर हमें जिताते हैं तो दरौंदा की इतिहास हम रच देंगे। एटीएन लाइव के लिए सीएम कुमार की रिपोर्ट। थाने में जाने की जरूरत नहीं थी, ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं थी, एसडीओ के यहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं थी, डीएसपी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। डीएसपी जितेंद्र स्वामी के प्रांगण में आ जाया करता था, एसडीओ आ जाया करता था। ऐसा कोई विधायक का नाम बताइए जिसके यहाँ डीएसपी एसडीओ और जिला के पदाधिकारी पहुंच गए। उमाशंकर बाबू का इस जिला के कलेक्टर पैर छूते थे और उमाशंकर बाबू किसी बैठक में नहीं जाते थे। जिला योजना की जितनी भी जो भी निर्णय लेना होता था डीडीसी या डीडीओ फाइल लेकर के आते थे, उसकी योजनाएं भी उमाशंकर बाबू बराबर विरोध में रहे, विपक्ष में रहे। लेकिन जब 1.5 लाख रुपया उनको मिलता था अनुशंसा विधायक को खर्च करने के लिए, तब भी मैक्सिमम गांव की सड़कें बनी, मैक्सिमम एक बार 400 यूनिट जिला से ले गए स्कूल बना आपके विधानसभा। अब उस कथा को कहेंगे तो लंबा हो गया। हम ईमानदारी पूर्वक अपने लोगों के तो हम कहें इसको छोड़ दो तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हम कहें तो तुम्हारी नौकरी के लिए हम अपना नौकरी छोड़ दें, क्योंकि मेरी भी तो यही नौकरी है, इसलिए तुमको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर जो किया हम क्या किए तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यार यह दुनिया है बुजुर्गों का, यहाँ हर रोज छुपाना पड़ता है। आज सीने में कितना हो दर्द हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना हम चूंकि हम उस बात को नहीं कह सकते हैं कि क्या परिस्थिति हम क्रिएट किए और हाजर करवाए और उस लड़के को एक मोटरसाइकिल पर बैठा के उसके घर भेजा। एक दिन लोकसभा का चुनाव हो रहा था, प्रकाश जी उम्मीदवार थे और संजय के पिता पकड़ी मार्केट पर भाषण दे रहे थे। हम यहाँ खड़े थे, बगल बुलाया उनको, हम कहा कि और भाई जी कहना जाते हैं, दूसरे कहना जाते हैं, तीसरे कहना जाते हैं, आप जाते हैं, हमने जो आपके लिए किया है कहीं सुने हैं कि डकैती में लैंप डाल हो और थाने में वो आदमी बंद हो और पूरा इलाका जान गया हो कि सैकड़ों लोगों को बीच में से उसको गिरफ्तार करके लाया गया हो और थानेदार को मजबूर कर दिया गया हो और छोड़वा के हाजत से चला गया हो और उसको मुकदमा नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ हो, तो जरा किसी विधायक किसी एमपी से जरा करवा दीजिए, एक सिपाही को रखवा दीजिए तो हम अपना राजनीति बंद करेंगे, जरा करवा दीजिए। जेल में छठ होता है, ये जेल में तालाब बनाया गया, छठ की प्रतिमा बनी। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग दूसरी प्रतिमा छठ का बनवा दिए, दूसरे गोल बनाने के लिए। गांव में कहा जाता है कि जहां मां की प्रतिमा है वहां सैकड़ों प्रतिमा बन सकती है, लेकिन वहां से कहीं दूसरे जगह प्रतिमा बनाते हैं तो वह गुनाह है, ऐसा माना जाता है। देखिए ईश्वर की कृपा हो, जय लोग उसमें भाग लिए उस छठ में, मैं छठ करता नहीं था लेकिन उपवास रहता था और लोगों को छठ कराने में सहयोग करता था। जो औरतें जाती थी कि उनके निकालों से जेलों में सबको कपड़ा मंगा करके उनसे छठ करवाने का व्यवस्था उनके बिलापते सारी शुद्धता की व्यवस्था सुबह की व्यवस्था जैसे जो छठ में होता है वह सारी व्यवस्था किया जाता होता था। और आज भी हमको लगता है कि वह परंपरा कायम है, क्योंकि जो परंपरा कायम करके आए वह परंपरा वहां बनी हुई है। आप पता करें अगल बगल के जेलों में हम
जेल में भी रहे तो सुधार का काम करो। हमने ये बताया कि क्योंकि पूरे भारत